तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक कमाल की ऐप के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, मैं डिजिटल वेलबीइंग की नए अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए सब आपको आगे डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी चीज, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि ऐसी सब तक अपडेट पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको डिजिटल वेलबीइंग के नए अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर प्ले स्टोर में और या अपने गैलेक्सी स्टोर में जाना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप देखेंगे नया अपडेट आपको रोल आउट हो चुका है। नीचे की तरफ आएंगे, इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 10 अक्टूबर 2023 को रोल आउट किया गया। इसका वर्जन नंबर है 5.00.07 और इसका साइज है 13.43 MB का। यहाँ पर दो नए चेंजेस किए गए, जैसा कि लिखा हुआ है, एनहांस लेआउट द मेन स्क्रीन ऑफ द डिजिटल वेलबीइंग हैज बीन रीडिजाइन मेकिंग इट इजियर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन यू नीड। मतलब कि जो उसका मेन पेज है यहाँ पर नया डिजाइन कर दिया गया ताकि आप इजीली कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकें। उसके बाद जो सेकंड चेंजेस किया गया, मोर कंटेंट इन योर वीकली रिपोर्ट नाउ लेट यू नाउ अबाउट अनयूजुअल यूजेस पैटर्न यू पिक यूजेस टाइम एंड हाउ बैलेंस योर टाइम। मतलब कि पहले तो आप तो सेकंड चेंजेस में यहाँ पर यह किया गया है कि जो वीकली रिपोर्ट आती है उसमें आपको बताएगा कि अनयूज पैटर्न आपके क्या है, यो पीक यूजेस टाइम आपने कब सबसे ज्यादा टाइम यूज किया है और हाउ यू बैलेंस योर स्क्रीन टाइम। मतलब कि पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने के लिए दिया गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपडेट करने के बाद मैं आ गया हूँ सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आने के बाद आपको चले जाना है डिजिटल वेलबीइंग पे। तो आप ये देखेंगे डिजिटल वेलबीइंग का जो पूरा डिजाइन है यहाँ पर नया चेंजेस हो चुका है। पहले ये थोड़ा बड़ा सा आता था, अब थोड़ा छोटा हो गया है। यहाँ पर मोस्ट यूज ऐप के नाम आ गए, पहले नाम नहीं आते थे, तो यहाँ पर मोस्ट यूज के ऐप के नाम भी आपको शो होने लगे जो कि पहले नहीं होता था। अब यहाँ पर गोल का ऑप्शन तो पहले भी आता था, अभी भी आने लगा। अब यहाँ पर आपको बता रहा है ऐप टाइमर, आप यहाँ पर टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि इन साइट्स को जो ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं वो आपका काम, मतलब आप उसको सेव कर सकें। सोशल्स में जाएंगे, सारी सोशल्स ऐप मिल जाएंगी ताकि आप उनको भी क्लियर कर सकें, सोशल ऐप में ज़्यादा टाइम ना दे, आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको जो जो ऐप्स को आपको टाइमर लगाना है कि इसको ज़्यादा यूज़ ना करूं, वो ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। वो ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और यहाँ सेट टाइमर पर क्लिक कर देना है, तो सेट टाइमर वहाँ पर आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, ड्राइविंग मॉनिटर जो कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके काम आता है, वॉकिंग मॉनिटर अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी ये टर्न ऑन कर दीजिए, जब भी आप वॉकिंग करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भैया आप कितने चल चुके हैं, क्या है इसको आपको यहाँ परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद तो आपकी वॉकिंग मीटर भी यहाँ पर बता देगा, मतलब आपको यहाँ सेट करना है कि मेरे को डेली कितना चलना है, तो डेली के हिसाब से आपको वो बता देगा। उसके बाद पेरेंट कंट्रोल जो पहले भी आता था अभी भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप उसके बाद नीचे देखेंगे फोकस मोड का ऑप्शन जो पहले भी था वो भी यहाँ पर सेम वही है, पहले बेड टाइम मोड्स भी सेम वही है जो पहले था, ठीक है। ये कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया। सेकंड चेंजेस किया गया था वीकली के लिए, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर वीकली पे। वीकली रिपोर्ट में अब क्या नया देखेंगे, योर वीकली रिपोर्ट यूजेस नाउ लेट यू नाउ अबाउट अनयूजुअल यूज पैटर्न योर पीक यूज टाइम एंड हाउ बैलेंस। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं वीक में आपने 10 घंटे 8 मिनट सोशल मीडिया पर टाइम दिया, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप क्रोम, ये यहाँ पर दिखा दिया। पीक यूजेस टाइम आपका सबसे ज़्यादा, ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम, मतलब कौन कौन से दिन में कितना कितने दिन आपने मोबाइल यूज़ करा है। यूजली जो स्टार्टिंग वाले जो डार्क नहीं है, लाइट है, यहाँ आपने यूज़ नहीं करा। जो ज़्यादा डार्क है वहाँ पर आप मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जहाँ लाइट कलर है थोड़ा सा वहाँ पर भी आपने अपने मोबाइल को यूज़ करा गया है। तो आप देख सकते हैं ये पीक यूजेस टाइम आपको सोशल मीडिया के हिसाब से भी दिखा रहा है और वीडियो के हिसाब से भी दिखा रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर खुद ही बता रहा है। उसके बाद मोस्ट यूज्ड ऐप, आपने सबसे ज़्यादा कौन सी यूज ऐप करी इस वीक में, वो यहाँ पर आपको ये बता रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो नया चेंजेस है ना, बहुत शानदार है। आप इसके हिसाब से अपना नया शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, नया ऑप्शन लगा सकते हैं। यार ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी, मतलब जो पीक टाइम वाला ऑप्शन दिया ना यार, ये बहुत शानदार दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर पीक टाइम, पीक यूज टाइम, ये चीज़ें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। तो यही अपडेट था, यही नई चेंजेस थे डिजिटल वेलबी में जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।